ये स्वलावण्य वंशसा एमणे पोते लावण्य एटले जे अप्रितम सौंदर्य धारण कर्यु छे। द्रुत धनुषम पुष्पायुद्धम आहर्युय धनुष्य धारण करनारा एवा कामदेव ने पण एमणे तृणवत पूरा पृष्ठम दृष्टवा कामदेव पर गुस्से थया अने एने भस्मीभूत कर्यो। हे यमनिरत, यमनिरत शब्द नोंध में पूछा, यम पर पण जेनो काबू छे, आमा पण दैवशास्त्र पौराणिक कथा आवे के एमनी जान में ज बधा भूत अने डाकला गयेला, तो केम? तो एम कहे छे के ए यमने पण नियंत्रित करे छे। जीव छे ए जीवनुं संशोधन हजी थयुं नथी, शिवमांथी जीव आवे छे अने जीव पाछो शिवमां जाए छे। देहार्ध घटनात यदि देवीं त्वां, एवा तमारा शरीरमां जेने अर्ध देह धारण कर्यो छे, शक्ति शिव साथे शक्ति। स्त्रैणम अवेति हे वरद अद्धा युवतयः मुग्धाः, तेवा देवी पार्वती तमने पोताना सौंदर्यथी अभिभूत करे तो युवतियों सौंदर्यथी अभिभूत करे एवं मानी शकाय नहीं। अहींया थोड़ो श्रृंगार रस छे, थोड़ो भयानक रस छे। कयो कयो? तो एम के शिवे सौंदर्य पोतानी पासे पण शिव पासे पण सौंदर्य छे, जटा धारण करी छे, चंद्र धारण कर्यो छे, सामे एनाथी पण सुंदर कामदेव आवे तो कामदेव थी ए विचलित न थया, कारण के ध्यान मग्न हता। त्यार पछी बीजू बताव्यू के यमनिरत, यमने पण जे नियंत्रित करे छे एवा शिव, अने अर्धनारेश्वर स्वरूप के शिव अने शक्ति बन्ने एक ज छे, अने ए बन्ने में एक ज तत्व रहेलू छे शिव अने शक्ति ने। आवा शक्ति एटले के पार्वती पण सौंदर्य वान छे, पण आ बधाने जो सौंदर्यनी परिभाषा में मूकीए तो पार्वती अत्यंत सुंदर छे, पण एम के सौंदर्य थी ए शिव ने जीती शकशे एवुं मानवुं नहीं, कारण के शिव पासे बधी ज शक्ति छे, एटले पार्वती पण एमने ओळखी शक्या नहीं। कारण के आपणने खबर छे के कामदेव समये पार्वती त्यां ने त्यां ज ऊभा रही गया के हवे कंई बोलवा जेवुं छे नहीं, एटले पार्वती ने पण ख्याल आवी गयो के अत्यारे शिवनुं जे स्वरूप छे ए थोड़ा ठंडा थाय पछी कहेवाय, एटले शिवनुं स्वरूप ने पार्वती पण समझी शक्या नहीं। कयुं स्वरूप? तो जे एमनी पासे अप्रितम सौंदर्य छे। अप्रितम सौंदर्य एटले शुं? तो सुंदरता नहीं पण जीवनुं संचरण करे छे एवी कोई एक अद्वितीय शक्ति छे के जे आ जगत ने चलावे छे। ख्याल आवी गयो? समझ पड़ी गई? आगळ कयो श्लोक छे? इम्पोर्टंट छे, समझी लईए।